हाय गाइस, बारदा टेक्निकल में आपका स्वागत है। ये एक स्प्लिट एसी है। इसमें क्या है कि हम 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन गैस डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम 5 दिन पे 6 दिन पे जाकर चेक करते हैं तो 10% या 15% हमारा गैस कम हो जाता है। तो इसके लिए हमको अब हम 4 दिन पे 5 दिन पे या 10 दिन पे गैस नहीं डाल सकते। इसलिए हमको क्या करना है कि इसको चेक करना है कि हमारा लीक कहाँ है। तो हमने आउटडोर भी चेक किया और इन आउटडोर में कहीं नहीं ली, हमको ऑयल दिखाई दिया। तुमको ऑयल दिखाई दिया है इंडोर में, इंडोर में हमको फ्लेयर नेट के पास ऑयल दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि फ्लेयर नेट के पास लीक होएगा, लेकिन वहाँ पे हम चेक किया तो लीक नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि लीक कहाँ पर है। ये देखिए, ये हमारा फ्लेयर नेट है, इसमें लीक नहीं है, बिल्कुल फ्लेयर नेट एकदम टाइट है, लीक नहीं है। लेकिन हमको चेक करने के लिए ये यूनिट उतारना है। हमने यूनिट उतार दिया है। अब यूनिट उतारने के बाद इसमें क्या हम नाइट्रोजन डालेंगे। नाइट्रोजन दोस्तों डालना है इस हिसाब से कि हमारा गेज ख़राब नहीं होना चाहिए, कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए सेफ्टी से। तो ये देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर रखा हुआ है। हमने इसमें क्या किया है, गेज फिट किया है। गेज फिट करने के बाद हमने कॉपर का क्वार्टर का पाइप लिया है, दोनों साइड फ्लेयर बनाया है और उसको जाके गेज में कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि हमारा चार्जिंग लाइन भी ख़राब नहीं होगा और हम आसानी से गैस डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसमें गैस डालते हुए क्या करना है, इसको गेज को स्लोली स्लोली टाइट करना है। सिलेंडर तो ओपन कर दो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेज को जो टाइट करना है बहुत धीरे धीरे, जिससे क्या है हमारा गेज भी ख़राब नहीं होगा और कोई नुकसान नहीं होगा, सेफ्टी भी होगा। और ये देखिए दोस्तों, हमने गैस डाला इसमें और नाइट्रोजन डालने के बाद हमें लीक यहाँ दिखाई दिया है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर लीक है, इस पाइप में लीक है। लेकिन ये हमारा पाइप उसका कॉपर का नहीं है, और कॉपर का नहीं होके स्टील का पाइप है, स्टील के पाइप पे। और ये पाइप इतना हल्का है, ये टॉर्च लगाएंगे तो ये टॉर्च लगाते ही गल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, हमको ये पाइप काट के निकालना ही होगा। हम अभी आपको ब्रिज के ऊपर ही ब्रिजिंग मार के दिखाएँगे, लेकिन ब्रिजिंग नहीं होगा आपको, मतलब हम बताने के लिए इसको ब्रिजिंग मारेंगे हम, ठीक है। इसको आपको हम नॉलेज में डाल देते हैं कि दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ब्रिजिंग होगा कि नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा लीक है। यहाँ से देखिए ब्लू ब्लू कैसे छोड़ रहा है, यहाँ से एयर निकलेगा। साबुन पानी डाल के चेक करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि लीक कहाँ पर है। जहाँ पर भी आपका डाउट है वहाँ चेक किए, साबुन डाल के लीक पता लगेगा। ये देखिए, हमने यहाँ ब्रिजिंग मारने जा रहे हैं। ये हमारा टॉर्च जलाया है, अभी ब्रिजिंग के लिए हम रेडी हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा ब्रिजिंग, ये हमारा ब्लू रोड है। ब्लू रोड बोले तो इसमें फ्लैश लगा हुआ रहता है ब्रास का रोड, लेकिन इसमें फ्लैश लगा हुआ है इसलिए इसको ब्लू रोड ही बोला जाता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा ब्रिजिंग भी नहीं हो रहा बराबर, कितना दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है कि इसका वीडियो का हमारा यही फल है, सब्सक्राइब और लाइक। और कमेंट में जो भी कुछ पूछते हैं, कमेंट आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूँगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा मैं, कोई भी जैसे कि हम ब्रिजिंग करने के टाइम में टॉर्च जलाते हैं तो सावधानी से जलाएं टॉर्च, जैसे कि टॉर्च बैग भी मार देता है कभी कभी, तो इसलिए आप लोग ध्यान देके काम करें जो भी काम करना है। ये देखिए दोस्तों, मैं ब्रिजिंग करने का बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ब्रिजिंग हो नहीं रहा है बराबर, क्योंकि वहाँ माल पकड़ नहीं रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम ब्रिजिंग करने में नहीं लगता है। और लास्ट में लगता है ब्रिजिंग नहीं होगा। ये ब्रिजिंग हुआ ही नहीं है, उस रोड से नहीं होगा तो इस रोड से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कॉपर का रोड है,
इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इस पाइप पे वही रोड चलेगा, ब्लू रोड ही चलेगा इस पे, बाकी कोई सा रोड इस पे नहीं चलेगा। ब्रास का रोड चलेगा और कॉपर का रोड तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये देखिए दोस्तों, ब्रिजिंग नहीं हुआ हमारा। हम इसको क्या करेंगे, पाइप काट देंगे। काटने के बाद पाइप को नया पाइप लगा देंगे। ये देखिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया इसका, लेकिन ये हमारा पाइप उस जो पतला वाला पाइप से देखिए छोटा हो रहा है, इसके साइज़ में आना चाहिए, क्योंकि हम जब इंसुलेशन इसके ऊपर डालेंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए हमको इसमें थोड़ा सा पार्ट्स और ज्वाइंट करना होगा। जैसे हमने ये टुकड़ा लिया है, इससे थोड़ा सा और बड़ा टुकड़ा हमको लेना है, जिससे कि हमारा वहाँ तक पहुँच जाए।